अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं कढ़ी, जिसके लिए मुझे ज़रूरत होगी 1 पाव बेसन की। उसी में से थोड़ा सा मैंने 2 टेबलस्पून ले के, तो ये देखिए मैंने घोल लिया, इतना पतला इसे मैंने कर लिया। जो हम दही में डालेंगे, और इसके लिए मुझे चाहिए दरमियाना प्याज, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, और थोड़ा सा मैंने लिया सब्ज़ धनिया, और खुशक मसालों में 1 टेबलस्पून मैंने लिया ज़ीरा, इसे अच्छी तरह साफ़ कर लीजिएगा, 1 टेबलस्पून सब्ज़ खुशक धनिया, 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, और थोड़ी सी मैंने साबुत काली मिर्चें ली हैं। इन सब इंग्रेडिएंट को हम ग्राइंड कर लेंगे और ये हम पकोड़ों के बैटर में डालेंगे। ये देखें, ये मैंने ग्राइंड कर ली है, वो मसाला जो मैंने आपको साबुत मसाले दिखाए थे, ये मैं ये पकोड़ों वाले मिक्सचर में डाल दूंगी। इसके साथ हमें चाहिए थोड़ा सा मीठा सोडा, जो मैं इसलिए इस तरह डालती हूँ क्योंकि ये गुठलियाँ सी बनी होती हैं और इन्हें मैं इस तरह दबा के ना, तो ये पाउडर सा बना देती हूँ। बस इतनी 1 चुटकी ये हमें चाहिए। ये 1/2 टीस्पून हमने इसमें डाला है नमक, क्योंकि हम 2 सब्ज़ मिर्चें भी डाल रहे हैं इसलिए हम, और हमने गरम मसाला भी डाला है इसलिए हम सूख मिर्च कम डालेंगे। जब हम दही की वो कढ़ी तैयार करेंगे उसमें भी हमने सब ये सूख मिर्च डालेंगे, इसलिए मिर्चें ज़्यादा ना हो जाएं। अब हम इसमें डालेंगे ये सब्ज़ मिर्चें, प्याज, और ये सब्ज़ धनिया। अब हम इस बैटर को घोल लेंगे, और इसे ज़्यादा थिक नहीं रखना क्योंकि पकोड़े फिर हमारे सख्त बनेंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे। मैं अभी आपको बताती हूँ कि इन्हें हमने कितना बस ठीक रखना है, ना ज़्यादा ये ठीक हो और ना ज़्यादा बिल्कुल पानी की तरह पतला हो। अगर पानी की तरह पतला होगा तो पकोड़े हमारे घी में जब हम निकालने के लिए करेंगे तो वो बिखर जाएंगे और चौड़े चौड़े बनेंगे। और अगर ये सा हमने घोल लिया तो ये पत्थर जैसे पकौड़े बनेंगे, तब भी इसका सॉफ्ट पकौड़ों का मज़ा वो वाला नहीं आएगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ना इतना पतला है और ना इतना ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हमने 1.5 पाव दही ले लिया है, इसमें मैंने 1 कप पानी डाला था, और ये देखें बस इसे इतना पतला करना है, इसमें बिल्कुल पानी पतला नहीं से कर देना। इस तरह ये जो कढ़ी है वो सही नॉर्मल सी ठीक नहीं बनेगी और पानी पानी सा बन जाएगा। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ये देखें बेसन लिया, इसे मैं ये घोल के और ये शामिल करने जा रही हूँ। और ये देखें नीचे रेत इसके बैठी हुई है, आप ऊपर ऊपर से डालें ताकि ये रेत नीचे रह जाए। ये हमने बेसन इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे नमक हसबे जायका, सूरख मिर्च
क्योंकि पकोड़ों में भी सुर मिर्च डाली है और सबर मिर्चें भी डाली हैं, गरम मसाला भी डाली है डाला है, इस वजह से हम कढ़ी में उसके हिसाब से ही मिर्चें डालेंगे ताकि ये ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। आप मेरे तरीके से ये कढ़ी बनाइएगा, ये प्योर पंजाबी तरीका है कढ़ी बनाने का और इतना इसका मज़ा आता है ना खाने का। और इसमें हम थोड़ी सी ये हल्दी डाल देंगे। एक साइड पे ये वाला मैं जो है ना दही का मिक्सचर ये मैं पकाऊंगी और दूसरी साइड पे मैं अपने पकोड़े निकालना शुरू कर दूंगी। और इसके ऊपर जो हम तड़का लगाएंगे उसके लिए मैंने एक लिया है प्याज मीडियम सा और एक टेबलस्पून मैंने सफ़ेद हीरे से भी अच्छी तरह मैंने साफ कर लिया। पहले हम प्याज को पिंक करेंगे और उसके ऊपर हम फिर ज़ीरा डालेंगे। प्याज चूंकि टाइम लेते हैं इसलिए हम पहले इसे फ्राई करेंगे। अगर पहले हम ज़ीरा डालेंगे तो ये ज़ीरा जल जाएगा, ज़ीरा फ़ौरन फ्राई हो जाता है। जब हम ज़ीरे प्याज और ज़ीरे का तड़का इसके ऊपर कढ़ी पे लगाएंगे तो इसकी कढ़ी की लज्जत दुगनी हो जाएगी। नाज़रीन ये देखें, ये मैंने ऊपर ये पकनी रखी हुई है लेकिन ये मुझे लग रही है जैसे इसमें बेसन थोड़ा और डालना पड़ेगा, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून थोड़ा सा और बेसन घोल के तो ये मैं बीच में शामिल कर रही हूँ। अगर आपको भी लगे तो आप भी बीच में शामिल कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इंसान पहले ज़्यादा चीज़ डाल दे तो बाद में फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। अगर चीज़ कम हो ना तो बाद में इंसान डाल सकता है देख के अपने हिसाब से। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, नहीं तो आपकी ये सब मेहनत और सारा खाना जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा। ये देखिए नाज़रीन, ये देखें ये कढ़ी पक गई है। अब हम इसमें पकौड़े फ्राई करके तल के तो ये डालना शुरू करते हैं। मैंने चूल्हा ऐसा किया हुआ था, अब इसे सही चूल्हा तेज़ कर दें ताकि पकोड़े सही तरह पक जाएं और इनमें घी वगैरह ना जो है भरे। मेरे तरीके से आप कढ़ी बनाइएगा, बिल्कुल सादा तरीका कढ़ी बनाने का और नहायत आसान और मज़ेदार है। नाज़रीन मैं आज आपको एक दुरूद शरीफ भी बताऊंगी, वो आप पढ़ते रहा करें, वो दुरूद शरीफ मुझे भी बहुत पसंद है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وإطراته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. یہ درود شریف کے ساتھ استغفار بھی ہے. आप अपनी दुआएं बेशक दिल में रख के दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और दुरूद शरीफ की बरकत से आपकी सारी दुआएं कबूल होंगी। ये देखें ये पकौड़े बिल्कुल तैयार हैं, अब इनका
इस तरह घी थोड़ा सा निकल जाए तो ये मैं कढ़ी में शामिल कर दूंगी। और पकोड़े कढ़ी में शामिल करके तो इसे पकाना नहीं है, क्योंकि ये पकोड़े आपके जो तरीका मैंने आपको बताया है इसी से ये नरम ही रहेंगे पकोड़े। अगर आप इन्हें पकाएंगे तो ये बीच में सारे पकोड़े बिखर जाएंगे। ये देखे नाज़रीन, ये कढ़ी जो पकोड़े डले हैं सारे पकोड़े मैंने डाल दिए हैं। और ये देखें ये कढ़ी थोड़ी सी ये कतरे जो आ रहे हैं ना वो बिल्कुल ही वो जो ज्यादा बीच में डाल देते हैं ना बेसन और वो फोमी फोमी बन जाती है, वो फिर चपाती के साथ मज़ा नहीं आता। तो ये जो मैंने प्याज लिया था इसमें मैंने ये वाला 1.5 चम्मच ना घी डाला है फ्रेश बिल्कुल ताज़ा। ये पकौड़े जिसमें निकालें उसमें ना ये वाला तड़का तैयार कीजिएगा, क्योंकि उससे इसका जायका अजीब सा आना शुरू हो जाएगा बासी घी का। बिल्कुल फ्रेश घी डालें 1.5 चम्मच ये वाला, और इसमें इतने बस ये हो जाए ना पिंक पिंक से प्याज तो ये ज़ीरा ये डाल दें। अब जब हम जीरे को भूनेंगे साथ इसके ये वाला प्याज भी अच्छी तरह सही ज़रा ब्राउन सा हो जाएगा और जीरे की भी महक तड़के में आ जाएगी, और ये हम अपनी मज़ेदार और इंतहाई लजीज कढ़ी के ऊपर इसका बघार डालेंगे। और फिर हम ये आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ये पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल का नाम है जायके ज़िंदगी के, और अच्छे अच्छे व्यूज़ भी दीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ मेरी ये रेसिपी। ये देखें मैंने ऊपर इसका वो बघार डाल दिए और इसे मैं आराम से इसे मिक्स करना है आपने, बीच में ज़्यादा चम्मच डालेंगे खलाएंगे इसे ज़ोर ज़ोर से तो ये पकोड़े आपके सारे टूट जाएंगे। और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ऑयल या घी का तड़का नहीं लगाना, उसे फिर इसका टेस्ट उभर के नहीं आएगा। मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये मेरी कढ़ी बन के बिल्कुल तैयार है और हर चीज़ इसमें नमक मिर्च हर चीज़ इसमें परफेक्ट है, ये आप देख सकते हैं ना, ये ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा ये थिक है। इसे आप रोटी के साथ खाएं या उबले चावलों के साथ खाएं आपको ये बहुत मज़ा आएगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।